लाडगंज थाना पुलिस ने ड्राई डे पर एक्टिवा सवार एक युवक को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। युवक से 12 बॉटल अंग्रेजी शराब जब्त की गई है और उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर घोषित ड्राई डे पर लाडगंज पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उससे 12 बॉटल अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गढ़ा फाटक जगदीश मंदिर के पास एक युवक द्वारा अवैध शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने दबिश दी और मौके पर शुभम तिवारी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिससे अवैध शराब बरामद कर उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जाँच में लिया गया है। मौके पर स्टाफ पहुँचा, स्टाफ को देखकर वह भागने लगा, घेराबंदी कर उसे पकड़ा, जिससे नाम पता पूछा, जिसने अपना शुभम तिवारी दुर्गा चौक गढ़ा फाटक रहने वाला बताया। उसके कब्जे से 12 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। शुभम तिवारी के विरुद्ध 34(1) आबकारी के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अवैध शराब के संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है।